कोई आत्मा है वो नहीं उसको मोक्ष मिला, वो भटक रही है, तो वो आत्मा क्या उनको तकलीफ देती है फैमिली को? आत्मा जानबूझ के कोई वो तकलीफ नहीं देती है, बट संभव वो इंडिकेशन आता है। 12th हाउस से पांचवें भाव का संबंध अगर बनेगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं पूर्वजों का संबंध निकल के आएगा। आत्मा और डीएनए के बीच में कुछ संबंध है? एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सोल जो है ना, जो हमारे पूर्वज की सोल है, ठीक है, उसका ही कहीं ना कहीं हम अंश होते हैं। मानते हैं भी हम अलग अलग जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जाके इंसान का हमें जीवन मिलता है। तो मरने के बाद उसको सारा पहले वो प्रोसेस नहीं पूरा करना पड़ेगा, हर जीव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस इंसान का मिलेगा? देखिए, कहा जाता है कि इंसान का जो जन्म है वो सबसे बाद में मिलता है, ठीक है, जब सारी योनियों में भटक गया था तभी इंसान बनता है। कई लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो लोग ऐसा क्या छोटा सा उपाय कर दें जिससे वो पितृदोष ना हो और सामने जो आज सोल भटक रही है वो पुनर्जन्म ले ले? एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधक की हरे कोट अपराध। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे काफी सारी चीजें हैं जिन लोगों की डेथ हो जाती है, जो अपने पूर्वज हैं, लोग कहते हैं उनका पुनर्जन्म हो जाता है, या इस रिगार्डिंग या एस्ट्रो में उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसे बोला जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म की धारणा है हमारे सनातन धर्म में, तो एस्ट्रो साइंस में भी क्या ये माना जाता है जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो गई है वो हमारे संतान के रूप में वापस जन्म लेते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर वे में समझें तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पर ही पूरी मतलब बेस्ड है, पास्ट लाइफ के कर्मों पे ही बेस्ड है। और अगर पास्ट लाइफ के कर्मों पर बेस्ड है, इसका अर्थ है कि पास्ट में जन्म हुआ था उसके बाद में ही ये दूसरा जन्म हुआ है। सो इट मीन्स ये खुद प्रूव कर रहा है कि हाँ, ज्योतिष के अनुसार पुनर्जन्म होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं उसी आधार पर हमें फैमिली मिलती है, उसी आधार पर हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है ना, किसी को लग्जरी लाइफ मिलती है, किसी को परेशानी मिलती है, तो ये सब पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित हो जाता है। और खाली इंटरेस्टिंग चीज इसमें हम आपको एक जोड़ के बताते हैं कि खाली उसी पर्सन के नहीं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, हमारे एंसेस्टर्स के भी जो कर्म है उसका भी फल मिल जाता है हमें। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे दादाजी ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसका भी फल पोते को मिल सकता है, राइट? तो इसका मतलब हम पहले पूर्वजों को संभाल के रखेंगे, गड़बड़ ना करें। पहले पूर्वजों को तो खैर, अब पूर्वजों को संभाल के नहीं रख सकते क्योंकि यानी बड़े लोगों का जो हाँ जी, एक्चुअली कायदे में तो बड़े लोग को संभाल के रहना चाहिए, या अभी जो हम है हमको बहुत कायदे से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अगर एक भी कुछ एक्टिविटी गड़बड़ करते हैं तो निश्चित है हमारे जो आगे आने वाली संतानें हैं उनको उसका फल मिल जाएगा, ये इसमें कोई दो राय है नहीं। तो क्या कुंडली से ये पता चल सकता है कि ये बंदे का, ये जो इंसान है, इसका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ जी, कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ज्योतिष में जिसके आधार पर निर्धारित किया सकता है कि हाँ, इस पर्सन का ये पुनर्जन्म है। हालांकि पुनर्जन्म तो ज्यादातर लोगों का होता है क्योंकि सभी सोल लिबरेट नहीं हो सकती, लिबरेशन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है, राइट? क्योंकि वो तो बहुत सारे ऐसे जो सेंट हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, केवल उन्हीं को लिबरेशन मिल सकती है। साधारण आदमी लिबरेट तो नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ फिर कर्म करेगा और उसका फल मिलेगा, कर्म करेगा फल मिलेगा। लोगों को लाइफ का पर्पज ही नहीं पता है कि लाइफ का पर्पज क्या है, तो लिबरेशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत दूर की चीज हो गई, राइट? तो कुंडली में बेसिकली ऐसा कौन सा योग या ऐसा कुछ होता है जिससे पता चले भी ये पर्सन का पुनर्जन्म हुआ है, या ऐसा कुछ पता चल सकता है कहाँ से क्या था, पुनर्जन्म कहाँ से हुआ है या क्या हो सकता है? कई लोगों में कैसे रहता है कि बहुत सारे डाउट रहते हैं, अरे पिछले जन्म में मैं कुत्ता था या पिछले जन्म में मैं बिल्ली थी, तो क्या कुंडली में ऐसा कुछ है जिससे पता चल जाए भी इनका पुनर्जन्म हुआ है तो कहाँ से हुआ है? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें पास्ट लाइफ रीडिंग की टेक्निक्स आती है जिसके आधार पर देखा जा सकता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी एक चार्ट नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी में कई चार्ट होते हैं। सो आपने एक वर्ड सुना होगा, सोडस वर्ग, मतलब 16 चार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो D1 चार्ट होता है जिसे बोलते हैं लग्न चार्ट, लग्न चार्ट
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, वो सब कुछ कहता है, लेकिन उसके अलावा एक होता है D60 सप्तांशा, उससे आपके पास्ट लाइफ के जो डीड्स हैं वो भी पता चलते हैं कि आपने कहाँ पर कैसा क्या गड़बड़ हुआ है, तो उसके आधार पर क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, आगे चीजें क्या होने वाली है, वो बहुत सारी चीजें उससे निर्धारित हो जाती है। पास्ट लाइफ कर्मा को रीड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट वही है, और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शायद अब इस पॉडकास्ट में संभव नहीं कि हम इतना बता पाए, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजी में हर टॉपिक इतना वास्ट है कि उस पर एक घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चार्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बुध जाके एयर्थ हाउस में बैठ गया, एयर्थ हाउस क्या है, एयर्थ हाउस होता है मृत्यु का हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, और अष्टम भाव में जब भी बुध बैठेगा जाके, तो जो एक आपने सुना होगा एक बुक है लाल किताब, लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि ये मुर्दे का फूल है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार में जिस व्यक्ति के चार्ट में अष्टम भाव में अगर मरकरी बैठा है, तो इसका अर्थ ये उस व्यक्ति के परिवार में किसी की जो जो लास्ट वो होती ना लास्ट सेरेमनी, अंतिम संस्कार होता, अंतिम संस्कार में कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है, और वो वहां पर इंडिकेट करता है। अब वो कई चीजों से देखा जा सकता है, मतलब उसमें जैसे 12 राशियां हैं, 1 से लेके 12 नंबर तक वहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, और बुध के साथ में कोई ना कोई और प्लेनेट भी हो सकता है, या अकेला बुध भी हो सकता है, या अदर प्लेनेट भी हो सकते हैं, तो उस आधार पर डिसाइड होता है कि कहां पर कौन सा कर्मा रह गया, जिस कारण से व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे ये तो हमारी कुंडली के हिसाब से पता चल जाता है कैसे प्रॉब्लम आ रही है, बट क्या जो कर्म है, हमारे पूर्वजों के कर्म है या हमारे कर्म है, उससे हमारे पुनर्जन्म या हमारी संतान या आने वाली पीढ़ी के जो जन्म है, नया जन्म है, उसमें कुछ रुकावटें हो सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है? राइट, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा कार्य किया गया है जो जो गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ क्या, अच्छा भी कार्य अगर किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो कर्म के सिद्धांत है ना, जैसे हम लोग ने भगवत गीता में भी सुना है, पढ़ा है कि प्रत्येक कर्म का आपको फल मिलता है, ठीक है, जब तक कि वो निस्वार्थ भाव से ना किया जाए तब तक वो फल नहीं बनता है, ठीक है, उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभी, जैसे मतलब अगर आप उसको ड्यूटी समझ के करते हैं, ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से जो काम किए जाते हैं शायद उसका आपको फल ना मिले, लेकिन अगर आप इच्छा रख के कोई कार्य करते हैं, सपोज आपने डोनेशन किया और आपने अपने मन में बहुत सारे विचार बना लिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो निश्चित है आपने जो अच्छा काम किया है उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो भगवान का दिया हुआ, हमारे हाथ से जा रहा है, हम तो जस्ट कर्म कर रहे हैं, तब यहाँ पे कर्म बंधन नहीं बनेगा। क्यों? बेसिकली जो कर्म है ना, हर कर्म आपको एक बंधन में बांधता है। तो जैसे कहा जाता है कि जो केज है ना, केज चाहे सोने का हो चाहे बांस का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म कर लिए और सोच लिया कि हमने बहुत अच्छा किया, तो निश्चित है उसके लिए हमें नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, और उसके आधार पर हमें, जैसे हमने बहुत सारा डोनेशन किया, तो इस जन्म में नेक्स्ट बर्थ में हम एक बहुत रिच पर्सन बनेंगे और सुख सुविधाओं का भोग करेंगे, और फिर वहां पर गलती करेंगे तो उसके कारण फिर में नेक्स्ट बर्थ की तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे सही सिस्टम यही है गीता के अनुसार, कि जब आप ये सोच के कार्य करते हैं कि हम ऊपर वाले का कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाले की दी हुई ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, तब आपका कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता, और तब आप अगले जन्म से मुक्त हो सकते हैं, आपके कम से कम संस्कार बनेंगे। ऐसा संभव है कि जो आज के मेरे कर्म है या कुछ ऐसे कर्म है, इन कर्मों के आधार पर मैं अपनी ही फैमिली में रीबर्थ ले लूं? देखिए ये किसी व्यक्ति के बस में नहीं है, मतलब ये किसी के हाथ में ऐसा नहीं होता कि ठीक है हम ये कर्म करेंगे तो अपनी फैमिली में ही आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की कुछ बहुत सारी इच्छाएं रह गई अपनी फैमिली के प्रति, बहुत सारी डिजायर्स रह गई हैं, या कोई ऐसा अनुबंध रह गया है जो उसने फैमिली में अपने नहीं कर पाया, जैसे बहुत सारे काम नहीं कर पाए, बहुत सारे कर्म जो निभाने थे अपनी फैमिली के प्रति नहीं निभा पाया, तो हो सकता है अगर उसको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़े
अपने जो कर्म को निभाना था ना, जो जो जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, अगर वो पूरी नहीं करी तो इस जन्म में फिर से वो जन्म लेगा और फिर जिम्मेदारियां पूरी करेगा। कई लोगों का क्या मानना है कि जो पूर्वज आशीर्वाद देते हैं तो संतान के रूप में जन्म लेते हैं, क्या ज्योतिष शास्त्र इसके ऊपर विश्वास करता है या क्या धारणा क्या है उसमें? ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल एक योग भी है, जैसे कुंडली में 12 भाव का स्वामी अगर पंचम में आ जाए, क्योंकि कुंडली पंचम भाव जो होता है कुंडली का वो संतान को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव होता है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का भाव, तो स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है वो स्पिरिट से बना है, ठीक है। तो 12वें भाव से जो स्पिरिट आती है 5th हाउस में, 12वें भाव का स्वामी अगर 5th हाउस में आ जाए तो इसका अर्थ यही है कि कोई स्पिरिट पूर्व जन्म की, आपकी फैमिली से एंसेस्टर्स कोई भी आपके बच्चे के रूप में जन्म लिए है, ये जानकारी उससे मिलती है। और कौन कौन से ऐसे संकेत हैं ज्योतिषी में, ज्योतिष शास्त्र में, जो ये बता सकते हैं कि हमारी संतान जो है उसका संबंध हमारे पूर्वजों से है, और कुछ ऐसा संकेत जो लोग देख सके, आम पब्लिक देख सके भी है, इस चीज को मैच करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पूर्वजों से कनेक्टेड है हमारी संतान? देखिए, हमने यही बताया कि ना जो 12th हाउस से 5वें भाव का संबंध अगर बनेगा तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं पूर्वजों का संबंध निकल के आएगा, और हो सकता है वो संतान जो ना जो बच्चा होगा वो शायद आपको मतलब अपने फैमिली वालों को उस नाम से ना बुलाए, जैसे अपने पापा को पापा ना बोले, हो सकता है कुछ और बोले, मदर को कुछ और बोले, ठीक है। तो ये कुछ साइन ऐसे हैं जिससे अंदाजा लगा सकता कि हाँ ये पाप ये जो है ये कोई पूर्वज आए हैं जो पिछले जन्म का अपना रिश्ता मानेंगे और उस आधार पर ट्रीट करेंगे, उस आधार पर बोलेंगे। पितृ दोष जो रहता है उसके संतान सुख के ऊपर कुछ असर पड़ता है उसका? देखिए, पितृ दोष का संतान के ही ऊपर नहीं, मतलब हर चीज के ऊपर असर पड़ता है। देखिए, समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, पितृ दोष बन कैसे जाता है कि जब हमारे को एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो सोल है वो डिपार्ट हुई, लेकिन आगे वो ट्रेवल नहीं कर पा रही है किसी कारण, बस क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से उनका कुछ जो कार्मिक अनुबंध था वो बचा रह गया, तब उनकी सोल आगे नहीं जा पाती है। तो जब वो आगे नहीं जा पाती तो वहां से कुछ ना कुछ वो मैसेज भेजते हैं कि हमारे लिए कुछ करो जिससे हम आगे पहुंचे और वो हम आपको ब्लेसिंग देके चले जाएं, ठीक है। क्योंकि अब वो निर्भर हो जाते हैं केवल जो आने मतलब जो संतानें होती है ना उन पे निर्भर करते हैं हमारे पूर्वज, जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों पे निर्भर करते हैं ना कि उन्हें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी सोल आगे चली जा चुकी है, वो मतलब बहुत हद तक निर्भर करते हैं अब हम लोग के ऊपर कि हम लोग उनके लिए जो करेंगे तो वो उनको प्राप्त होगा, राइट। तो अगर वो उनकी सोल प्रॉपरली आगे नहीं जा पा रही है, कहीं पे फंस गई है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमें देंगे कुछ सिग्नल के रूप में। सपोज आपके वॉशरूम में अगर करंट आ रहा है, एग्जांपल हम जस्ट दे रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ, और जब उनका वो तर्पण क्रिया जो बोलते हैं ना, जो श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना, ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध करना, भगवान राम भी गए थे गया प्रयाग, ठीक है, अपने पिताजी के लिए, राजा दशरथ के लिए, उसी प्रकार से अगर जो भी जिस धर्म में जिसने जन्म लिया है उस धर्म के आधार पर जो भी रिचुअल्स होते हैं अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते हैं तब दिक्कत आती है। जैसे सपोज कीजिए कोई आत्मा है, वो नहीं उसको मोक्ष मिला, वो भटक रही है, ठीक है, फैमिली के, और फैमिली वो पूरे उसके तर्पण नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं, तो वो आत्मा क्या उनको तकलीफ देती है फैमिली को या कैसे रहता है? आत्मा जानबूझ के कोई वो तकलीफ नहीं देती है, बट समहाउ वो इंडिकेशन आता है कि हम फंसे हुए हैं, तो वो एक इंडिकेशन है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक इंडिकेशन है कि वो वहां पर स्टक है, आप उनके लिए करिए और आपको आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर सपोज करो जैसे आज के यंगस्टर हैं वो नहीं करते, ठीक है, अब आत्मा फंसी हुई है, अब वो यदि वेट करेगी कि ये बेवकूफ करें मेरे लिए कुछ और मुझे मोक्ष मिले, या इनको तकलीफ देगी भी, अब मुझे तकलीफ देनी पड़ेगी तभी करेंगे ये लोग? देखिए, हमने बोला ना कि नोइंगली कोई तकलीफ नहीं देता है, बट वो होता है, मतलब मजबूरी होगी ना उनकी।
एंड हो सकता है कि फिर उनके परिवार का कोई व्यक्ति, क्योंकि परिवार बढ़ता चला जाता है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो परिवार का अगर व्यक्ति ने जाके कर दिया अपने परिवार के लिए, तब भी उनको लिबरेशन मिल सकता है, वो सोल आगे डिपार्ट हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए कोई पूर्वज है, वो हमारे संतान के रूप में जन्म लेता है हमारे घर में, तो क्या वो जो उसकी इच्छा है अधूरी रह गई वो पूरी करने आता है, या क्या रीजन क्या रहता है इसका? देखिए कई बार बहुत सारे वो रह जाते हैं, ऋण रह जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पैसा लिया था किसी से और उसको वापस नहीं किया, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में वो व्यक्ति आ जाए और अपना पैसा वापस लेके चला जाए। या कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, पिछले जन्म में अगर कुछ ना कुछ बाकी रह गया तो वो इस जन्म में फिर से लाइफ पार्टनर बन के आएगा और उस समय तक रहेगा आपके साथ में जब तक वो चीजें जो बाकी रह गई थी, जो उधार रह गया था, उधार अदा नहीं हो जाता, तब तक वो आएगा आपकी लाइफ में रहेगा। जिस दिन उसका उधार पूरा हो गया उस दिन वो लाइफ से आपकी चला जाएगा। इसके लिए भी एक योग बनता है, जब बारहवें भाव का स्वामी सप्तम से संबंध बना ले या सप्तम का बारहवें से भी संबंध बना ले, मतलब सेवंथ हाउस का स्वामी या बारहवें में चला जाए, बारहवें भाव का स्वामी सेवंथ में आ जाए, तब भी ये योग बनता है इस प्रकार से कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो पिछले जन्म का आपका लाइफ पार्टनर है। सपोज कीजिए कि दो लोग हैं, दो लोग प्यार करते हैं, शादी नहीं हुई, ठीक है, अब एक आदमी सुसाइड कर ले, यानी सपोज करो कि लड़के ने सुसाइड कर ली लड़की से, अब लड़के का एक काम अधूरा रह गया, वो लड़की से प्यार करता था, तो क्या वो उसका पुनर्जन्म ऐसा हो सकता है कि लड़की के घर पे हो जाए, या लड़की के हस्बैंड के रूप में नेक्स्ट जन्म में आ जाए वो? नहीं नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ठीक है अब अगर आप एज ग्रुप के हिसाब से देख लें, थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है, लड़की अब थी यंग, ठीक है, लड़की की एज है 30 साल अराउंड मान लेते हैं, और उसी समय पार्टनर ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो लड़की जब 2 साल की होगी मान लिया, 2 साल बाद अगर उस सोल ने फिर से जन्म ले लिया, ठीक है, तो लड़की की एज 32 हुई और वो बच्चा फिर 2 साल का हुआ जाके, फिर तो उनका एज गैप हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट तो कभी नहीं मिल सकते। हो सकता है कि वो उनकी फैमिली में आए किसी और रूप में आ जाए, हो सकता है उसके बच्चे के रूप में आ जाए, राइट, या तो वो दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि अटैचमेंट अगर रहा ना तो अटैचमेंट वो लेके आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, हमारे सनातन में पुनर्जन्म को विश्वास किया जाता है, कई ऐसे धर्म हैं या क्रिश्चियनिज्म है उनमें पुनर्जन्म का धारणा नहीं है, बट उनमें क्या रहता है कि सोल और गोस्ट वगैरह तो हैं, एवन में जाते हैं, वो जाते हैं, क्या ये सिर्फ जो परंपरा है ये सनातनियों के रूप में ही अपने साथ जुड़ती है, या किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, सपोज कीजिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है विदाउट रिलीजन को काउंट करते हुए, या सिर्फ सनातन के लिए, अभी आप सनातनी हो तो आपकी ये परंपरा है और आप क्रिश्चियन हो तो आपकी वो परंपरा, ऐसा है या सब ज्वाइंट है? देखिए मेरे हिसाब से तो सारा ज्वाइंट है, क्योंकि देखा जाए अगर पृथ्वी की जो आयु है, ठीक है, पृथ्वी पे जो इंसान का जब उदय हुआ, जब भी इंसान पनपा पृथ्वी पे, तब उस समय पे बाकी सारे रिलीजन थे ही नहीं, यहाँ पर कोई रिलीजन ही नहीं था, ठीक है, रिलीजन तो बहुत बाद में बने, अभी कुछ साल पहले बने, ठीक है, उससे पहले तो कोई रूल थे नहीं, ठीक है, तो वहां पर मेरे हिसाब से तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होंगी ये चीजें। उनके जो लोग हैं जिनकी डेथ होती है वो तो इतना जैसे हम लोग करते हैं, गया जी जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, सब चीज करते हैं, अब उनमें वो सब चीजें नहीं है, तो उनकी जो सोल्स है उनको मोक्ष मिलेगा, पुनर्जन्म होगा, या वो भटकते रहेंगे? नहीं देखिए उनके यहाँ जो भी फिर रिचुअल जो हो रहे हैं, ठीक है, उनके यहाँ जो भी रिचुअल हो रहे हैं अब उससे फायदा होगा उनको, क्योंकि जो उनका बिलीव है जो उसके आधार पर चीजें उनके लिए निर्धारित हो जाएंगी। तो ये बेसिकली बिलीव सिस्टम के ऊपर आ गया। अभी मुझे सपोज करो कि मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे पूर्वज की डेथ हो गई या किसी की डेथ हो गई, उनके रिगार्डिंग कोई चीजें मैं डोनेट कर दूँ, यानी उनकी शांति के लिए, वो मेरा एक बिलीव है, या किसी पे, क्या वो बिलीव भी काम करेगा या पर्टिकुलर तरीके से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी? देखिए फाइनली बिलीव ही तो सब काम करता है, क्योंकि अगर ईश्वर भी है, अगर हम ईश्वर में बिलीव करते हैं तभी वो काम करता है, ठीक है, अगर हम ईश्वर में बिलीव नहीं तो हमें फिर मेरी पूजा करना बेकार हो गया ना, तो बहुत हद तक बिलीव सिस्टम ही आदमी को आगे ले जाता है। अगर किसी को बिलीव ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कि हम ये एग्जाम पास कर पाएंगे, तो वो एफर्ट ही नहीं लगा पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, लेकिन जिसको बिलीव होता है वही करता है, तो संभव आपका जो फेथ है, फेथ आगे ले जाता है,
इसलिए फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी में फेथ करो, ठीक है, अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, आपका फेथ है कि नहीं ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन आपको लेके जाएगी, फेथ अगर बस पे तो बस ले जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका फेथ किस पे है। अगर आपका फेथ है ही नहीं कि कोई चीज ले ही नहीं जाती है आगे, तो आप नहीं जा पाओगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हम बात करें तो जो भी हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो हमारे संतान के रूप में अगर जन्म लेते हैं तो ये क्या परिवार के कर्मों के ऊपर आधारित रहता है या उनकी इच्छा अधूरी रहेगी तो वो जन्म ले सकते हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो होता है ना वो रिवर्थ करा देता है। ज्यादातर केस में यही होता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट रह गया। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई दादाजी है उनको अपने पोते से, अपने लड़कों से बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा मोह है, ठीक है, तो जन्म लेके मतलब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद में फिर बहुत जल्दी जन्म ले लेंगे, इसी परिवार में आ जाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उनको मोक्ष मिल सके? जैसे हमारे पूरे उसमें बताया गया सनातन में मोक्ष की एक पूरी प्रक्रिया, अभी इस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है या वो बार बार पुनर्जन्म लेते रहेंगे? देखिए मोक्ष व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब वो खुद मेहनत कर लेगा, ठीक है। वो कहते हैं अपने मरे स्वर्ग मिलता है, ऐसे अपनी मेहनत से मोक्ष मिलता है, ठीक है, आपको तब करना पड़ेगा। और इसीलिए ये भी अपने यहाँ सनातन धर्म में कहा गया कि जब इंसान का आपको रूप मिलता है, इंसानी चोला मिलता है, तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि केवल इंसान ही ऐसा है, ह्यूमन ही एक ऐसा है जिसके पास में कॉन्शियसनेस है। जब आपके पास में कॉन्शियसनेस है तभी आप इवॉल्व कर सकते हो। हमने बात की योनियों की, यानी अलग अलग हम मानते हैं भी हम अलग अलग जीवों के रूप में जन्म लेते हैं फिर जाके इंसान का हमें जीवन मिलता है, और बट हम ये भी चीज बोल रहे हैं कि कोई आदमी की डेथ हुई है वो हमारे संतान के रूप में पैदा हो सकता है अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो मरने के बाद उसको सारा पहले वो प्रोसेस नहीं पूरा करना पड़ेगा, हर जीव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा फिर वापस इंसान का मिलेगा, या वो अभी मरा है अभी डायरेक्ट उसको इंसान का फिर से मिल गया, सब स्किप कर दिया उसने? देखिए कहा जाता है कि इंसान का जो जन्म है वो सबसे बाद में मिलता है, ठीक है, जब सारी योनियों में भटक गया था तभी इंसान बनता है। पुनर्जन्म का जैसे हम बोल रहे हैं कि वो मरते हैं अगर इच्छाएं अधूरी रहेगी वापस फैमिली में पैदा हो जाते हैं कहीं हो जाते हैं, और उससे पहले उनको सारे जन्म लेने पड़ेंगे या वो स्किप हो जाएगा? नहीं, सारे जो जन्म है ना पहले वाले, जो सारी योनियां हैं वो तो स्किप करके ही इवॉल्व हुई है ना जब सोल, तब जाके वो ह्यूमन फॉर्म में आई जाके, तो इसके बाद में पॉसिबिलिटी ये रहती कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही रहेगी। ओके, इसके बाद में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि हमें वापस दूसरे सारे जन्म लेने पड़ेंगे? नहीं, वो यानी एक सोल जो है वो इवॉल्व होके ह्यूमन फॉर्म में रहेगी, अब हम जब भी मरेंगे तो इंसान ही बनेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी ये है कि 100% ये गारंटी नहीं कि आप इंसान ही बन जाएंगे। अगर आपने कुछ पशुओं के साथ, जानवरों के साथ में अगर कुछ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, अगर पशुओं के साथ में बहुत तगड़ा कोई अनुबंध बना लिया, ठीक है, तो संभव हो सकता है फिर आपको उस अनुबंध को पूरा करने के लिए हो सकता है फिर पशु योनि की प्राप्त हो जाए। जैसे कई लोगों का मानना है कि जो हमारी संतान होती है उसमें हमारे पूर्वजों का DNA होता है, ठीक है, और हमारा जो एस्ट्रो साइंस है उसमें इसके बारे में क्या कहना है, और क्या आत्मा और DNA के बीच में कुछ संबंध है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि अगर आप देखिए ध्यान से समझिए एस्ट्रोलॉजी से, और नॉर्मल अगर आप बायोलॉजी समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सोल जो है ना, सोल जो हमारे पूर्वज की सोल है, ठीक है, उसका ही कहीं ना कहीं हम अंश होते हैं, अंश अवतार हो जाते हैं जैसे कहा जाता ना, तो पूर्वजों का ही अंश हम होते हैं क्योंकि उनका DNA आ रहा है। अगर आप देखो मंगल जो है ना ब्लड का कारक है, रक्त का कारक है, रक्त के थ्रू ही DNA पास होता है, ठीक है, और जो हमारे पूर्वज का खून था ना वही खून जो है हम में भी है, क्योंकि खून तो, ब्लड तो वही आ रहा ना, ठीक है, वो फादर में गया, फादर से सन में पहुंचा, मदर से पहुंचा, तो संभव वो ब्लड वही आ रहा है। इसी आधार पर जो DNA के आधार पर ना जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, गुण धर्म दोष, ये सारी चीजें उसमें ट्रेवल करती हैं जीन के थ्रू। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो मंगल है ना, मंगल कारक है DNA का, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, तो रक्त के थ्रू ही वो पास ऑन होती है इन्फॉर्मेशन।
तो आपको क्या लगता है कि पूर्वजों का, सपोज कर जो मुझे, मेरे जो पूर्वज हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे ऐसे क्या उपाय या कुछ करना चाहिए कि वो मेरे साथ रहे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी में? जैसे कई लोगों का इश्यू रहता है कि अरे यार आपको पितृ दोष है, आपको ये परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज जो भी हैं, ठीक है, जहां भी हैं, वो उनकी जो वेल विशेज हैं या जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमेशा मेरे साथ रहे। तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हम आपको बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में जो दिया गया फार्मूला उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज है ना, अगर हमने जैसा थोड़ी देर पहले बोला कि उनकी सोल जब आगे डिपार्ट करेगी, उनकी सोल को जो फ्यूल मिलना चाहिए, अगर हमारी तरफ से वो फ्यूल मिलता रहेगा तब हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो पितृपक्ष आता है 15 दिन, पितृपक्ष में अगर प्रॉपरली उनको भोजन दिया जाए। अब उनको भोजन, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो फिजिकल फॉर्म में उनको भोजन प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तो किसी के थ्रू ही अब उनको प्राप्त होगा। अगर 15 दिन खीर वगैरह अगर डोनेट की जाती है मंदिर वगैरह में, ठीक है, या लोग मंदिर में भी जाएगी तो लोग खाएंगे ना, जब लोगों को लोग खाएंगे तो उसके थ्रू उनको मिलेगी वो, ठीक है, पितरों को लग यानी जाएगी, दान बेसिकली करना चाहिए। राइट। अगर आप दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, या बरगद पेड़ के नीचे भी दिया जलाते हैं, तो उससे भी उनको वो एनर्जी पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आप जब दिया जलाते हैं ना, तो दिया जलाने में भी जो ऑयल है, ऑयल आता कहाँ से, सीड से आता है ना, सीड में भी लाइफ सोर्स होता है ना, ठीक है, एनर्जी है ना, तो तो कौन से वो ऑयल से ही जलाना चाहिए? तिल का तेल सबसे ज्यादा अच्छा माना गया। हाँ, तिल के तेल का दिया अगर आप जलाते हैं अपने पितरों के लिए तो सबसे अच्छा माना गया है। उसके अलावा जिस दिन सर्प पितृ अमावस्या होती है, सबसे अच्छा उपाय है, जिस दिन सर्प पितृ अमावस्या होती है, श्राद्ध के आखिरी दिन, उस दिन एक बड़ा सा दिया ले लें मिट्टी का, और उसमें पूरा ऊपर तक तिल का तेल भर के अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ डायरेक्शन पितरों को बिलोंग करता है, तो साउथ डायरेक्शन में अगर रख देते हैं दिया वो, और रात भर वो जलता है, तो वो जो एनर्जी है ना वो पितरों को प्राप्त होगी। तो ये जैसे ब्लेसिंग मिलती है या उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहती है, इसका हमारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है? जैसे सपोज कीजिए लोगों को आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जॉब चली जाती हैं, फाइनेंशियली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, जब ये सारी ब्लेसिंग हमारे पास रहती हैं या पूर्वजों का हम जो भी करते हैं, क्या हम हर हर्डल से इजिली निकल जाते हैं? उसका बेनिफिट क्या होता है बेसिकली? देखिए, जो भी पितृदोष में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं कि घर में जो मांगलिक कार्य है, मांगलिक कार्य का ना होना, मांगलिक कार्य में ये हो गया कि सबसे पहले शादी, संतान का होना, ठीक है, या नौकरी का मिलना, करियर में प्रोग्रेस होना, ये चीजें नहीं हो पाती, या चार लोग रहते हैं घर में, चार लोग आपस में खुशी से नहीं रहते हैं, चार लोग अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, तो ये यहाँ पर हो गया पितृदोष का लक्षण। तो जब पितृ अगर खुश हो जाएंगे, पितरों को प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, तब जाके ये जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में समस्याएं, रिलेशनशिप में समस्याएं, शादी में समस्याएं, संतान में समस्याएं, ये सारी दूर हो जाती हैं। तो क्या ये पुनर्जन्म और पितृदोष दोनों मिले हुए हैं, दोनों का, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक हैं? पितृदोष थोड़ा सा डिफरेंट चीज हमने बताई आपको, क्योंकि अगर उनकी सोल आगे नहीं बढ़ पा रही है तब, और पुनर्जन्म तो वही है कि अगर आपका कोई कार्मिक अनुबंध रह गया तब आप पुनर्जन्म लेते हैं। इसमें जैसे रहते हैं, कई लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है, गरीब हैं या किसी की डेथ हो जाती है, अब वो लोग ऐसा क्या छोटा सा उपाय कर दें जिससे वो पितृदोष ना हो और सामने जो आज सोल भटक रही है वो पुनर्जन्म ले ले, ऐसा कुछ है? तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी जो फाइनल राइट्स होते हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी फैमिली, किसी फैमिली मेंबर के लिए, तो किसी और के लिए परफॉर्म करते हैं जब भी वो कैपेबल हो, ठीक है, जरूरी नहीं उसी मात्रा में करना है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मतलब प्रॉपरली जलाया नहीं गया, तो शमशान, शमशान पे जाके कुछ लकड़ी डोनेट कर दें, 10-20-50 किलो, उससे भी फायदा हो जाएगा।
यानी किसी और के अंतिम संस्कार में कुछ हम कंट्रीब्यूट कर दें, जो भी कर सकते हैं। राइट, क्योंकि इसीलिए अपने सनातन धर्म में हमेशा से मतलब ऐसे रिचुअल्स ही बनाए गए हैं जिसके आधार पर आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो अपने ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। जैसे सनातन धर्म में आ गया, हर संक्रांति को आप दान करिए, डोनेशन करिए। संक्रांति मतलब जब सूर्य अपनी राशि चेंज करता है, सूर्य हर महीने अपनी राशि चेंज कर लेता है, तब जब राशि चेंज करता है उस दौरान कुछ खाने का, जैसे गुड़ हो गया या अन्न हो गया, घी हो गया, ये डोनेट करना। तो जब ये डोनेट करते हैं इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ऐसे अमावस्या पे, अमावस्या और पूर्णिमा पे, ठीक है, फुल मून नो मून पे अगर खीर का दान किया जाए उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे रहता है इतनी क्वांटिटी में करो या कुछ भी जितना हम कर सकते हैं उतना कर दें? सबसे ज्यादा मैटर करता है भाव, भाव भावना, ठीक है। जैसे कभी कभी होता ना कि सपोज आप अपने ऑफिस में बैठे आप खाना खा रहे हैं, आपका कोई कलीग आ गया, आपने खाली उससे पूछ लिया यार भाई तुम भी खाना खा लो, ठीक है, तो वो कहेगा नहीं भाई आप खाइए बस, हम तो बस मतलब अगर आपने उससे पूछ लिया उसी से वो सेटिस्फाइड हो जाएगी यार इसने पूछ लिया मतलब हो गया। तो जो भावना है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब आप क्योंकि अपने यहाँ सनातन धर्म में बताया गया कि जो बॉडी है ना, बॉडी एक होता फिजिकल फॉर्म, दूसरी एक होती है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तीन शरीर मतलब बताए गए हैं। तो जो फिजिकल बॉडी है उसी को ही फिजिकल रूप में चाहिए होता है, अदरवाइज जो और बॉडी है ना उनको फिर फिजिकल रूप में नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए है भाव के रूप में, ठीक है। जैसे अगर बताएं आप देखिए सपने में अगर बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, जबकि हम खा रहे हैं और सपने में खाते में टेस्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल बॉडी तो काम नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म शरीर है उसको वो चीज प्राप्त हो रही है। जैसे आजकल काफी लोग हैं जो बेसिकली सनातन को नहीं मानते या मजाक उड़ाते हैं, उनका कहना ये है कि आपने कौवे को खीर डाल दी या पानी डाल दिया सूरज को, कैसे कैसे पहुंचे आपके पूर्वजों को, कौन जाके कौवा खाना खिला के आएगा या क्या खिला के आएगा, तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि ये सारी जो है फीलिंग है, अभी उनको खिलाया तो उन्होंने ये नहीं फील किया भी हमारे लिए एक चीज निकाली गई है हम नहीं खा सकते बट किसी ने खा लिया। पहली चीज तो सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, और कई बार क्या होता है कि एक कहावत होती है काला अक्षर भैंस बराबर, जब आपको जानकारी नहीं होती ना तो आपको सब काला अक्षर लगता है। जैसे मोहन जोदड़ो की जो सभ्यताएं हैं, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, वहां पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो इंसान अभी डिकोड नहीं कर पाया बहुत सारी, ठीक है, अब तो इंसान के लिए तो काली वो डिजाइन हो गई ना, चिंगाटी हो गई ना, ठीक है। अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए वो चिंगाटे हैं, बट इसका वो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप ये नहीं कह सकते बेकार की चीजें, ठीक है। जैसे अपने चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप जहां पर बैठे वहां पर 5G सिग्नल भी हो सकते हैं, 4G सिग्नल भी हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे पता करेंगे ना, आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, नहीं यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है हमें दिख नहीं रहा तो नहीं है, मोबाइल करके देखो अभी पता चलेगा कि कितना सिग्नल है, ठीक है। तो हम अगर कोई भी चीज कहते हैं कि ये चीज है तो उसको प्रूव करते हैं, तो जब डिसप्रूव करते हैं ना तो उसके लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, आप प्रमाण दो, ठीक है, दोनों साइड के प्रमाण नहीं है, राइट। तो जब हमारे ज्ञान नहीं है, जब हमें ज्ञान नहीं होता तभी हम वो बहस करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एनर्जी है और वो काम करती है। जैसे बहुत से लोग यही बोलते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक। तो प्रभाव हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, सूर्य देखिए कितनी दूर है अपने यहाँ से, जिसके प्रकाश को आने में 8 मिनट 22 सेकंड लग जाते हैं, और किसी भी व्यक्ति को धूप में आप 5 मिनट खड़ा कर दिए, जब वो जेठ महीना होता है ना, मई की जो धूप होती है उसमें 5 मिनट धूप में खड़ा कर दीजिए व्यक्ति को, देखिए क्या होगा, है ना, जितना पसीना आएगा, इमोशनली मतलब चिड़चिड़ा एकदम हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, उसे पनिशमेंट हो जाएगा ना उसके लिए, काइंड ऑफ सही बात है। तो आप देखिए सूर्य जो इतनी दूर है कितना प्रभाव डाल रहा है, आपके इमोशनल पे भी प्रभाव डाल रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, डिहाइड्रेटेड होके आप गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो इतनी दूर से ग्रह प्रभाव डाल रहा है, तो सारी एनर्जी है
पर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमारी बेवकूफी है। इसमें जैसे काफी लोग होते हैं जिनका डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कुछ और तरीके से डेथ हो जाती है, तो क्या उनको भी पुनर्जन्म मिलता है या वो पूरी अपनी लाइफ, सपोज कीजिए मेरी लाइफ है 80 साल की, अगर जो हम बोलते हैं भी किस्मत आपकी लिखी हुई है आपने कितने साल जीना है कितना मरना है, मेरी डेथ हो जाती है पहले, मैं किसी कारणवश मेरी डेथ हो जाती है, क्या मैं वो बाकी जो बची हुई लाइफ है उसमें भटकता रहूंगा या मैं पहले पुनर्जन्म ले लूंगा? ये कई चीजों पे निर्भर करता है कि आपका आपका जो भी आपका लाइफ स्पैन था उसमें आपके कर्म कैसे रहे। ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली सारी चीजें सही करी, अगर आप भक्ति करते रहे, तो निश्चित है कि आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। या आपका कोई वास्तव में बहुत अच्छा गुरु है, जो कैपेबल गुरु है, जैसे बोलते हैं समर्थ गुरु, सो समर्थ गुरु भी अगर चाहे तो आपको आगे भेज सकता है, तो हो सकता है फिर आपकी सोल को बिल्कुल भी भटकना ना पड़े और वो नेक्स्ट बर्थ के लिए रेडी हो जाए या जो भी नेक्स्ट उसकी यात्रा है उसके लिए रेडी हो सके। जैसे जितने भी ये सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनकी डेथ होती होगी तो क्या इनको भी सेम इनको पुनर्जन्म कैसे मिलता होगा, इनके भी कर्म चेक किए जाएंगे, भाई तो इस पोस्ट पे था क्या क्या तूने कर्म किए? सेलिब्रिटी वो हम लोग ने बना रखा है ना हमारे, वो तो बहुत छोटी सी चीज है कि हमने सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी समझ रखा है, बट ब्रह्मांड में देखा जाए, ब्रह्मांड में तो एक इंसान जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कितना छोटा सा है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कितनी गैलेक्सी हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ पे छोटा सा एक इंसान है, और इंसान में भी अगर उसने कुछ कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर में, नेचर के लिए कोई भी चीज, नेचर के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो बेसिकली अभी जैसे कई लोग होते हैं यंगस्टर हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अच्छा यार मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मैं कैसे पता करूं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो कुछ ऐसा कोई छोटा सा उपाय या ऐसा कुछ सिग्नल हो सकता है जो कुंडली में हो या कहीं से पता चले भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा कोई चार्ट है जिससे पता चल जाए? देखिए हाँ बिल्कुल, चार्ट में ये निश्चित है देखा जा सकता है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में जब आप जाएंगे तो निश्चित है बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं जिसके कारण आपको ये बर्थ लेना पड़ा, आपने कहाँ पर चीजें मिसिंग करी थी। जैसे एयर्थ हाउस का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में पहुंच जाए तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी। एयर्थ हाउस है मृत्यु का या उससे से कई चीजें देखी जाती है। अगर उसका स्वामी फर्स्ट हाउस में पहुंचेगा तो निश्चित यही है कि आपका कोई ना कोई बहुत तगड़ा अनबंद अपनी बॉडी के प्रति रह गया, मतलब आपने अपनी बॉडी के प्रति जो फर्ज निभाना चाहिए था, एक्सरसाइज करना चाहिए था, उसको मेंटेन रखना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, तो आपको ये बर्थ मिला है, अब आप इसमें उसको उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे क्या रहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बेड ड्रिवन नहीं रहते हैं सारी जिंदगी, हम देखते हैं भी वो हिल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, मे भी हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि इस जन्म में उनको ये सारी चीज मिले, बट इस जन्म में तो वो कोई कर्म ही नहीं कर सकते, तो अगले जन्म कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि वो तो पढ़े ही है ना, सुन रहे हैं ना, यानी डेड बॉडी है एक तरह से, तो अगले जन्म में अगर उनको बेटर लाइफ चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए तो उसके लिए फाइनल एक उपाय ये भक्ति, भक्ति कर सकते हैं, दूसरा डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके नाम से डोनेशन, राइट, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर पास्ट लाइफ में कोई दिक्कत हुई या इस लाइफ में भी आपने किसी का पैसा मार लिया है, एग्जाम्पल छोटा सा है, अगर आपने किसी का पैसा मार लिया, ठीक है, इंटेंशनली, इसमें भी एक चीज जोड़े, इंटेंशनली आपने किसी का पैसा मार दिया, इवन आपने गवर्नमेंट का ही क्यों ना पैसा मारा हो, आपने टैक्स ही चोरी क्यों ना किया हो, तो वो आपका कर्मा बन गया और वो कर्मा तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से लगभग उतना ही अमाउंट डोनेट नहीं करते, तो ठीक है, तभी आप उससे ऋण मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो ऋण बन गया एक प्रकार का, ऋण तो सभी को चुकाना पड़ता है, ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर का नियम है, नेचर में अगर आपने एक पत्ता भी तोड़ा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी क्या रहता है, जैसे यंगस्टर्स हैं और कई लोग हैं, उनको ये रहता है अरे यार मैं अंबानी के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं टाटा के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं बिल गेट्स के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, तो ऐसा कुछ चीजें वो कर सकते हैं इस जन्म में कि अगले जन्म में वो टाटा बिरला या ऐसे अच्छी फैमिली के यहाँ पैदा हो? देखिए उसके लिए यह है कि एक तो
सात्विक लाइफस्टाइल कर लें, जितना हो सके डोनेशन करें, जितना हो सके भक्ति करें, तब जाके उनको वो चीज अचीव हो जाएगी। इसीलिए सारे जो रहीस लोग हैं डोनेशन बहुत करते हैं ना, राइट? आप देखो जाके कि कुछ अपने यहाँ कुछ कम्युनिटी है जैसे मारवाड़ी, आप देखो मारवाड़ी सबसे ज्यादा दान करते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, इसीलिए रिच है। सिंधी भी अगर देखिए उनका खाना भी बहुत सात्विक है। जन्म कुंडली में देखी जाती है सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस होता है आपके खाने पीने का, और सेकंड हाउस ही होता है आपकी फैमिली का, आपकी लीनेज को सेकंड हाउस दिखाता है। तो अगर आपको वास्तव में रिच बनना है तो आप अपना फूड अच्छा कर लीजिए, आप सात्विक भोजन खाना चालू कर दीजिए, आप रिच हो जाएंगे। क्योंकि सेकंड हाउस होता है टॉरस का, उसके जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अगर आपने शुक्र अच्छा कर लिया, शुक्र ही लग्जरी देता है, आपने शुक्र अच्छा कर लिया, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप मुंह से गालियां नहीं निकाल रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, तो निश्चित है आप अमीर बन जाएंगे। मगर इसमें कई लोगों का विवाद क्या रहता है कि सपोज कीजिए कि हम सात्विक खा लेते हैं, सारी चीजें खा लेते हैं, बट अब बिल गेट सबसे अमीर है, सऊदी का प्रिंस सबसे अमीर है, और उनका तो सात्विक खाना भी नहीं है, पैसा तो उनके पास भी है, या वो सर सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम पे रह जाता है? देखिए ठीक है, हो सकता है अभी उनका समय चल रहा हो, क्योंकि एक चीज होती है दशा, जन्म कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है महादशा। तो जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है ना, या अच्छा समय का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर हम आपको बताएं, किसी बेनिफिक प्लेनेट की महादशा चलती है। कुंडली में दो प्रकार के प्लेनेट होते हैं, एक मेलिफिक एक होता है बेनिफिक। जब किसी बेनिफिक प्लेनेट की महादशा चलेगी तो आपके जीवन में सुकून आएगा, सुख मिलेंगे। उस समय जाए आप जितना गड़बड़ भी कर लो, आपको क्योंकि बेनिफिट जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो उस समय पे आपको सुख मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर उस समय पे जो आप गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल जाया जाएगा, नेचर में उसका भी अकाउंट तैयार हो रहा है। तो ये तो कोई व्यक्ति सोचे ना कि नहीं हमारा अच्छा समय चल रहा है हम कुछ भी कर ले, नहीं, अच्छा समय आज चल रहा है, अभी बेनिफिक प्लेनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, अभी मेलिफिक का भी आएगा, नेचर बदला लेगी, नेचर बदला लेगी, नेचर जब वो समय आएगा, आज सुबह है तो शाम भी होगी, वही नेचर में है कि अगर आपका बेनिफिक का टाइम चल रहा तो मेलिफिक का भी टाइम चलेगा। हो सकता है किसी किसी का मेलिफिक का टाइम नहीं आ पाता है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो मेलिफिक का टाइम आ जाएगा, मेलिफिक का टाइम आ जाएगा। जैसे कई बार लोगों की महादशा स्टार्ट होती है, जैसे किसी का जन्म हुआ उसकी राहु की महादशा 5 वर्ष की रह गई, वैसे राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। तो हो सकता है वो फूल जो है ना, 5 साल जो इधर अभी झेल रहा है ना दशा, तो 18 में से 5 कम कर दीजिए, 13 साल पहले वो दशा को जी के आया है। जैसे आजकल ना लोग बहुत बिजी हैं लाइफ में, सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, घर पे आते हैं, इन सब चीजों के बीच में ना वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जिससे चलो ये लाइफ उनकी जैसी है, अगली जो पुनर्जन्म की हम बात करते हैं वो एक बेटर लाइफ हो, ठीक है। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो डे टू डे लाइफ में वो कर सकते हैं, ताकि अगर उनका पुनर्जन्म होगा, जब भी होगा, नेक्स्ट लाइफ की हम बात करते हैं, तो वो बेटर हो, इससे बेटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड हम हो सकेगा जो बेस्ट आंसर दे सकते हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। सो देखिए, जैसा कि आजकल की लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें से कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि फाइनली हम एक्चुअल में हम लोग भूल चुके हैं हमारा लाइफ का पर्पस क्या। अगर हम बिजी हैं तो हैं किसके लिए, है ना? हम 12 घंटे काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुकून मिलेगा ना, हमने सोच लिया है कि नहीं हमें पैसा मिलेगा, पैसे सुकून देगा, क्योंकि फाइनली ऐसा है नहीं, मतलब रियलिटी डिफरेंट है, पैसा ही सुकून नहीं है, ठीक है। तो सुकून के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और सुकून तभी मिलता है जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है, सोल को पैसा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ समय मंदिर जाएं, चाहे भले 2 मिनट के लिए मंदिर चले जाएं, वहां पर जो एनर्जी है उसको एनर्जी को ग्रहण जरूर कर जाके, और अपने पास से जो भी मिल सके आपको, जैसे एक फूल हो गया, एक छोटा कोई फल हो गया, तो वहां पर जाके डोनेट जरूर करें जाके। जब आप वो करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं,
आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर न रुत रहे पारा। ठीक है, आजकल एक संत है प्रेमानंद जी महाराज, वो भी कहते हैं नाम की महिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुलसीदास जी ने आगे भी लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधक की हरे कोटि अपराध। मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप 10,000 वर्ष तक तपस्या करो। उन्होंने कहा एक घड़ी कर लो, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी कर लो, आधी में भी आधी मतलब क्वार्टर कर लो, मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, कुछ समय कुछ मिनट का ही होता है। अगर आप उतनी देर के लिए भी एक भगवान का स्मरण कर लेते हैं प्रॉपरली कनेक्ट होके बिना सेल्फिश हुए, उसमें ये नहीं कि हमें मांगना है, हमें ये दे दो वो दे दो पैसा दे दो गाड़ी दे दो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मतलब बिल्कुल भी सेल्फिश ना होके अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट होते हैं ऊपर वाले से, तो निश्चित है आपका बहुत भला हो जाएगा। इसमें ये भी चीजें कर सकते हैं, जैसे और डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें डोनेट कर दें, किसी को खाना खिला दें या कुछ कर दें, तो ये सब चीजें भी उनके साथ काउंट करें। राइट, कायदे में तो अगर डोनेशन करना है तो डोनेशन के लिए सबसे अच्छा जो दिन होता है जब संक्रांति होती है, सूर्य अपनी राशि चेंज करता है, ठीक है, संक्रांति वाले दिन कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, जैसे कुछ खाने का आइटम जो भी है वो डोनेट कर सकते हैं। और अमावस और पूर्णिमा को खीर डोनेट कर दें, क्योंकि खीर जो है, जो दूध है और जो चावल है, तो समाव इससे चंद्रमा पेसिफाई होता है। तो चंद्रमा से क्या रहता है? एक्चुअली चंद्रमा से बहुत सारी चीजें मैटर करती है। चंद्रमा आपका इमोशंस है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में दो प्लेनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। तो आपकी लाइफ में भी जो सबसे दो बड़े पोल होते हैं वो दो ही होते हैं, एक माँ और एक पिता, राइट। तो अगर आपने और सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का भी कारक है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका मन अशांत है, जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपके पास में सब कुछ होगा, आप फिर भी भिखारी बन जाओगे, ठीक है। या अगर आपके पास में सब कुछ है उसके बावजूद भी आपका मन शांत नहीं, आपके पास चाहे इतना पैसा हो, आपका मन शांत नहीं ना, तो आप एक प्रकार से भिखारी है ना। फाइनली पैसा पैसा किस चीज के लिए काम करता है? पैसा आदमी क्यों कमाता है? कि जो इच्छा होगी वो खरीद लेगा, जो इच्छा पूर्ति कर लेगा अपनी, उसे जो खाना होगा खा लेगा, जो पहनना होगा पहन लेगा, जो घूमना होगा वहां घूम लेगा, क्योंकि पैसा है। बट अगर हम और घूम के करेगा क्या, पहन के करेगा क्या, उसे खुशी मिलेगी। घूम के आदमी क्या खुशी मिलेगी, मिलती है ना, खा के क्या करता है, खुशी उसका वो सेटिस्फाइड फील करता है ना, अच्छा खाने के बाद में हैप्पीनेस आती है। तो अगर चंद्रमा किसी का गड़बड़ हैप्पीनेस नहीं आएगी, आप चाहें सही बात। तो फाइनली अगर आप ये उपाय करते हैं, संक्रांति का, अमावस पूर्णिमा का उपाय करते हैं, तभी आपको जो आंतरिक शांति है वो तब मिलेगी जाके। जैसे ये यंगस्टर हैं, हमने बोला जैसे डोनेशन करनी है आपको, ये सब करनी, अगर ये सब डोनेशन करेंगे तो पॉसिबल है अगली लाइफ में उनको अंबानी वगैरह किसी घर में पैदा हो जाएंगे। निश्चित है, अगर कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कुछ ऐसे टिप्स जो लोग डेली लाइफ में कर सकें ताकि उनकी ये लाइफ और आने वाली लाइफ और उनके पूर्वज जो है अच्छे रहें, शांत रहें, ठीक है, और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, कुछ ऐसे आप 2-3 टिप्स दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अपनी बिजी लाइफ में से अपने लिए ही थोड़ा बहुत समय निकालें, मंदिर जाएं रेगुलर, अमावस पूर्णिमा को डोनेट करें, संक्रांति को डोनेशन कर लें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है योगा प्राणायाम करें। प्राणायाम अगर करते हैं उससे भी चंद्रमा बैलेंस होगा, योगा से आपकी बॉडी अच्छी होगी, प्राणायाम से आपका मन अच्छा होगा। डोनेशन में जैसे रहता है, डोनेशन में कई लोग कहते हैं अरे यार हम क्या डोनेशन करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। देखिए, जब समुद्र में भगवान राम सेतु बना रहे थे ना, पुल बना रहे थे, तो उस समय पे बहुत सारे जो वानर सेना में लोग थे वो पत्थर डाल रहे थे बड़े बड़े। एक गिलहरी क्या कर रही थी, वो तट पे जाती थी और अपनी बॉडी में कुछ बालू रेत के कड़ वो चिपका लेती थी और जाके वहां पर पानी के पास जाके झाड़ देती, जाके झाड़ देती। तो उसका जो किया गया एक्ट है, जो भी उसने कार्य किया था वो भी काउंट किया गया। भगवान राम ने उस पर कहा जाता अपनी हाथ रखा, उंगलियां के निशान जो उस पर पट्टियां बनी होती है भगवान राम के ब्लेसिंग के निशान है। तो मतलब आपके लिए मैटर नहीं करता कि आप
अंबानी के बराबर डोनेट करो, ठीक है, या किसी के बराबर डोनेट करो, आप जितना भी कर दोगे अपने अपने मन से किया है ना वो काम करेगा। तो क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, कितनी क्वालिटी से क्वालिटी आपने किया है वो ज्यादा मैटर करता है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे आगे एक पॉडकास्ट और करें किसी अच्छे टॉपिक पे, बिल्कुल किसी से कुंडली से रिलेटेड जो भी आप बोलेंगे, क्योंकि लोगों को क्या है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आज के टाइम पे इतने लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिसर्च इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सब चीजों का ना कंफ्यूजन होता जा रहा है। तो आप जैसे अच्छे लोग सामने आएंगे तो लोगों को अच्छा पता चलेगा चीजों के बारे में, और लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।